शामिल करते हैं लैया से, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहबाज हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की और DHQ में कायम पनागाह का मुआयना किया, सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया, अमले की हाजिरी रिकॉर्ड वगैरह चेक किया, बेहतरीन इंतजाम पर स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने पनागाह में आने वाले अफराद का रिकॉर्ड चेक किया और दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया, अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स के मुआयने के दौरान मरीजों से मुलाकात की और देखभाल के मुतल्लिक इस्तफसार भी किया, मरीजों के लवाहिकीन से अद्वियात की फराहमी के मुतल्लिक मालूमात भी ली। इस मौके पर उनका कहना था कि पनाहगाह इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल है, मुस्तहिक अफराद को अच्छी सहूलियात दी जाना इंतहाई जरूरी है। मोहम्मद शहबाज हुसैन ने मरीजों को अद्वियात बाहर से लाने से मना किया और कहा कि अगर मेडिसिन बाहर से लाने को कहा जाए तो फौरन उनको इतला करें। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों के इजहार इत्मीनान पर डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल अमले की कारकर्दगी को सराहा। उनका कहना था कि सरकारी इदारों पर आवाम के एतमाद को बहाल करने की जरूरत है, मेहनती इंतजामिया और स्टाफ ही इदारों की पहचान बनता है, अफसरान अपना काम ईमानदारी। वाइस टुडे न्यूज से फिलवक्त इतना ही, मजीद अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wisetoday.tv। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वाइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।